अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम माशाल्लाह लोखंडवाला गोट फार्म इन अहमदाबाद इनक्रेडिबल गुजरात। बहुत शानदार, मतलब मैंने तो एक पूरा जनरेशन देखा है डेकेड बाय डेकेड माशाल्लाह लोखंडवाला गोट फार्म का। समीर भाई, आप लोगों की जो चॉइस होती है इन टर्म्स ऑफ ब्रीडर्स, मेरे को नहीं लगता कोई उसको मैच कर पाएगा। जैसे कि हमारे कुछ भाई बोलते हो, मैं भी मानता हूँ कि यू आर द पायनर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बात करूँ हाइट पैड में, खास करके आपके बड़े से बड़े ब्रीडर मैंने देखा अपनी आँख से, अनबिलीवेबल अनमैच ब्रीडर्स हैं। ये ब्रीडर आप कहाँ से लाए, कब लाए एंड कौन सी लाइन है, और आगे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? असीम भाई, ये अपने यहाँ पे अपना हैदर करके एक हैदराबादी बकरा था जी, जिससे अपने दोस्त है उस्मान भाई करके, उन्होंने उनकी फीमेल लोड की थी जी, और उसमें से ये बच्चा आया था असीम भाई। बहुत और उनके पास से अपन ने ये लिया वापस रिटर्न। क्या क्वालिटी है, पंज देखो, हाँ, चेहरा देखो, और शायद आपने बताया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये दो दांत पे अभी जी असीम भाई, दो दांत पे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 14-15 महीने का एक बच्चा है। वाह, चेहरा देखो, कान देखो आप, कान कितने आ जाएंगे इसके? असीम भाई, इसके 17 के कान है। 17 जी। तो जो मैं बात बता रहा था कि नस्ल सुधार हो रही है इसके अंदर में, हाइट पैड के अंदर 17 के कान, दो दांत का बच्चा, चेहरे पे ऐसा पंच, रिंकल, मार्बल सिंह, मार्बल खुर। इसका नाम क्या है? इसका यावर नाम रखा हुआ। यावर जी असीम। और ये तो नहीं सेल करना है? नहीं असीम, लेकिन इससे जो लोडेड बकरियां हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है। मैं ना इसको भी बांध देते हैं हम लोग, नहीं तो बकरियों को हैरान करेगा ये। और फिर एक एक करके इससे जो लोडेड बकरियां हैं, जो बकरियां यहीं पैदा हुई है ना भाई जी असीम, अपने घर की नस्ल की है सारी, यहाँ पैदा हुई है और इससे लोड हुई है, और वो बकरी आपको खरीदने का मौका मिलेगा जी असीम भाई, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इसको बांध देते भाई। तो समीर भाई, स्टार्ट कर रहे हम लोग पहली बकरी से, माशाल्लाह होम ब्रीड की पार्ट, क्या बात है, जबरदस्त। और बकरा देखो, बकरी देखो, माशाल्लाह इससे ही लोडेड है। बकरा आपने पहले दिखाया पर अभी और भी उम्दा दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये बकरी अभी मतलब फर्स्ट टाइम लोडेड है ना? जी, फर्स्ट टाइम लोड है आसिम भाई, ये करीबन समझो के 4 महीने के आसपास की लोड हुई है फीमेल, वाइट आइज में, और इसके कान अल्हम्दुलिल्लाह समझो के 16 है, और अच्छी मतलब चकलान है। अच्छा, हाइट पैड में एक और मसला भी आता था कि कान एकदम फोल्ड हो जाते थे। हाँ हाँ, हो जाते है ना, कुछ में आते हैं। आप आज देखो, ये नस्ल सुधार का ही कारण है। हाँ हाँ, कि वो उनमें जाड़ापन भी आ रहा है जी, जाड़ापन भी आ रहा है और खुलापन भी आ रहा है, खुलापन भी आ रहा है, वही तो क्वालिटी में गिनी जाती है ना असीम भाई, जो हाँ जो क्वालिटी रहेगी उसी को बोलते है ना क्वालिटी। सही, तो ये इससे लोडेड कितने महीने लोड होगी? ये 4 महीने की लोड है, मतलब ये बहुत जल्द बच्चा भी दे देगी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी दे देंगे अपन बकरी। हाँ, दे देंगे, चलेगा। नेक्स्ट बकरी ले लो भाई। दोस्तों नेक्स्ट बकरी आ रही है, जब तक आप ब्रीडर को देखें, ब्रीडर की क्वालिटी देखें आप, ये ब्रीडर से सब बकरियां लोडेड है। वाह, कितना गरम बकरा है, यावर नाम है इसका, यावर उम्दा। तो दोस्तों ये बकरी भी यावर से ही लोडेड है। यावर की हाइट कितनी होगी भाई? असीम भाई मापे तो नहीं है, लेकिन 38 प्लस रहेगी उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बकरी की भी क्वालिटी आप खुद जज करें, खुद देखें, चेहरा, आंख, खुले कान, माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम लोड है कि हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम है असीम भाई, तो ये तो दूध वगैरह भी छोड़ दिए इसने। हाँ हाँ, बस ये समझो कि 15-20 दिन में इंशाल्लाह बच्चे देंगे। क्वालिटी देखो बकरी की, हमारे मुंबई में कोई भी भाई देख रहा है अगर, ये कभी बच्चा भी दे देगी, और अहमदाबाद से ट्रांसपोर्ट इजी भी है और करवा भी सकते हैं, 8-9 घंटे 10 घंटे का रास्ता है। ये बकरा का नस्ल आपको मिल जाएगी है ना, और बहुत जल्दी आई थिंक सबसे पहले यही बकरी भी आएगी ऑलमोस्ट। हाँ, है दूसरी भी इसके साथ वाली है, 2-3 बकरियाँ, वो भी मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह। चलेगा, स्क्रीन शॉट भेजें और समीर भाई से कॉन्टेक्ट करें, छोड़ दो भाई इसको। दोस्तों तीसरी बकरी आ गई, अगेन होम ब्रीड की बकरी है ना, हाइट पैड के अंदर है जी, हाइट पैड ही है। चेहरा दिखाता हूँ, हाँ मैं चेहरा पे पंच देखो आप बकरी के, छोटा चेहरा, ये भी एक खासियत है। कान की साइज भी देख सकते हैं, हाँ, इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह असीम भाई 15.5-16 के कान है इसके, थन वगैरह भी देख सकते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम भी आएगी जी असीम भाई, ये भी फर्स्ट टाइम है दोस्तों, फर्स्ट टाइम भी आएगी, होम ब्रीड की बकरी, हाइट पैड में आएगी जी, ठीक है। और अगेन यावर तो है ही आपके सामने,
तो दोस्तों ये कितने महीने की लोड होगी असीम भाई? ये 3.5 महीने के आसपास की लोड है, 3 से 3.5 महीने। बकरियां सब परफेक्ट है हेल्थ में भी जी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हमने आपके यहाँ देखा है बड़ी से बड़ी बकरी भी कितनी हेल्दी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलेगा, तो ये बकरी भी किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसको तो प्योर हैदराबादी बोलेंगे तो भी चलेगा कि है ही हैदराबाद? नहीं नहीं, ये भी हाइट पैट ही है, मतलब कान जड़ से खुल गए भाई हाइट पैट के। सो दोस्तों, जो चीज के लिए भाई फेमस है द पाइनर है, वो देखो आप, नस्ल सुधार है ना। ये देखो, अब इसको कोई हैदराबादी भी हैदराबाद में बोल देगा कौन किससे बहस कर सकता है बताओ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन ये हेड पैड है और अपने बाबर की रिजल्ट की है, इसकी माँ हैदराबादी में थी। एकदम बहुत खूबसूरत बकरी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम है। थन वगैरह सब परफेक्ट है। हाँ। बकरी को देख के लग रहा है ये भी 4 महीने लोडेड है। जी जी आसिम भाई, 4 महीने लोडेड है। छोड़ दो भाई इसको भी, छोड़ दो, छोड़ दे। सो दोस्तों, नेक्स्ट बकरी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कान देखो अगेन, ये भी होम ब्रीड में ही आएगी। जी आसिम भाई, कान कितने आएंगे इसके? ये इसके भी 16+ कान है। 16+ कान। हाँ। चेहरा देख लो आप। हाँ। चेहरे पे पंच भी बना रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई। मार्बल सिंह है, दोनों मार्बल खोर है। हाँ। कितने महीने की लोड होगी भाई ये? आसिम भाई समझो कि 1.5 महीने की लोड है। 1.5 महीने। हाँ। तो इसको भी आप कंफर्म बोल के दोगे कि मतलब? नहीं, कंफर्म तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कंफर्म है ही, अपने को 3-3.5 महीने में पता चलता है ना आसिम भाई। सही है। उसके कोई मैंने इसलिए क्यों नहीं बोल सकते, बाद में कस्टमर से ऐसा समझे इसलिए अभी बताना जरूरी है। हाँ हाँ। कि स्टार्टिंग में नहीं बताया जा सकता। नहीं नहीं बताया, और क्या है कि ये 1.5-2 महीना हो गया लगे हुआ और बाद में हिट पे भी नहीं आई, और वैसे तो कंफर्म ही है लेकिन अपने गारंटी नहीं देंगे। सही है, पर अगेन किसी को भी खरीदना है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। वैसे तो लोडेड है ही, पर अगेन न्यू लोडेड है ना। हाँ। तो उस चीज की गारंटी नहीं ले सकता, बाकी अल्लाह की मर्जी है जी। तो ये किसी को भी खरीदना हो तो समीर भाई से कांटेक्ट कर। छोड़ दो भाई, पूरे गुलाबी कान है माशाल्लाह। हाँ, कान भी गुलाबी और उसके कान की चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी है। कितनी होगी एक अंदाजा? ये इसके कान की लंबाई 16+ मैंने बताया, और चौड़ाई भी होगी कम से कम 6.5 के आसपास। 6.5-7। ये भाई ने पकड़े ना अभी हैदराबाद के स्टाइल, मजा आ गया। चलेगा, छोड़ दो भाई, छोड़ दे। सो दोस्तों, नेक्स्ट बकरी आ गई अगेन आपके सामने, मार्बल सिंह के अंदर है, व्हाइट आईज और पंच फेस के अंदर है। ये भी फर्स्ट टाइम लोडेड ही है भाई? भी फर्स्ट टाइम है, एकदम यंग बकरी है माशाल्लाह। हाँ जी आसिम भाई। और आप लोग क्या प्रिफर करते हो, मतलब क्या उम्र में वैसे लोड? आसिम भाई इसमें कैसा है कि ज़्यादातर बकरियाँ 8-9 महीने पे हिट पे आ जाती है, लेकिन अपने यहाँ पे कैसा है कि अगर बकरी पार्ट हेल्दी रहती है तो अपने 9-10 महीने में लगा देते। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो हेल्दी है सारी। हाँ, पार्ट अगर कोई प्रॉब्लम रहती है कि भाई हेल्दी नहीं है या तो कोई बीमार है, तो उसको फिर थोड़ा 12-1 महीने की होती है, उसके बाद लगाते हैं। सही है, तो लोडेड है एकदम, व्हाइट आइस के अंदर, अच्छा चेहरा है, यावर से लोडेड है। जो किसी भाई को चाहिए इंशाल्लाह जरूर कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, अगेन एक और बकरी आ गई, काफी हेल्दी बकरी है भाई। चेहरा देखो बकरी का, एकदम राउंड फेस और पंच, ऑटोमेटिक पंच देखें आप, बहुत उम्दा पंच, कान भी अच्छे माशाल्लाह। कलर का पैच है, हाइट पैट के अंदर है। ये अपने घर पे पैदा हुई थी जी, भाई जी, अपने घर की है आसिम भाई। ये बाबर की फीमेल है जी, और ज्यादातर आगे भी जो भी सब देखी ना, वो सब ज्यादातर बाबर की पाटे थी, बाबर की बेटियां हैं सब जी। और अभी यावर से लोडेड है, होंगे ये यावर से लोडेड है। हाँ, ये भी यावर से पहले बच्चा दे चुकी है, एक बार दे चुकी है, सेकंड टाइम जी जी। और ये कितने महीने की गाभा में? ये 4+ महीने है आसिम भाई। ओके, मतलब ये बहुत सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में यही भी आने में है। सही है, तो बहुत जल्द बच्चा देगी इंशाल्लाह। जो भी इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट करें, यावर से लोडेड है जी। बकरा देख लो आप, और ये बकरी इससे लोडेड है इंशाल्लाह, बच्चे बहुत जल्द आएंगे जान जान। सो दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा जबरदस्त ब्रीडर, बोलते ना कि अगर 100 रुपए का ब्रीडर है ना, तो बकरी भी 100 रुपए की है ना भाई। जी जी आसिम भाई, कोई बकरी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके कंपेयर की है आसिम भाई। देखो आप, अगर बकरा वो पंच में है तो बकरी भी कम नहीं है। अब क्या पता, मतलब अल्लाह की मर्जी है, तो बच्चे कैसे आएंगे, कितने पंच के बच्चे आएंगे आप सोचो बस। और बकरी की हेल्थ देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा माशाल्लाह, अल्लाह नजर बच्चे बचाए, बहुत उम्दा बकरी। तो ये बकरी तो पहले भी ब्याह चुकी है आसिम भाई, ये 2 बार ब्याह चुकी है, 3rd टाइम में लोड है, और ये भी बहुत टाइम मतलब लोडेड है ना भाई। हाँ, ये भी समझो 4+ महीना हो गई है। 4+ महीना यावर से लोडेड है, चेहरे का तो कोई मतलब सवाल जवाब ही नहीं हो सकता। पंच देखो आप, इसको बोलते हैं शौक,
ऑल इंडिया डिलीवरी, लेकिन ये क्योंकि ज्यादा टाइम प्रेग्नेंट है हाँ, तो अगर हाँ, आप अपनी पर्सनल गाड़ी में ले जाओगे तो ही बेहतर है ना भाई। जी जी, क्योंकि उसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में इतनी गाप बकरी का थोड़ा मसला रहता है। कोई आता है खुद के हाँ, उसके गाड़ी उसके ले जा सकता है वो। बस वही मतलब वही चीज पे बेचेंगे जी, नहीं तो आप बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, बकरी भी हेल्दी और ज्यादा टाइम की गाबन है। तो भाई बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं आप लोगों को। कौन बेचता है ऐसी बकरियां? नहीं असीम भाई, अभी जो अपने पास है ना असीम भाई, वो अपने खुद का कलेक्शन है। यूं समझो कि अपनों ने बहुत यानी समझो सॉर्टिंग कर करके जमा की हुई है, वो सब अभी अब सेल के लिए निकाली हुई है। चले तो इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कीजिए, नेक्स्ट बकरी दिखाता हूँ आपको। समीर भाई, ये प्योर जमुनापारी में आएगी कि ये भी वन? नहीं नहीं, ये प्योर है आसिम भाई, ये प्योर में आएगी। जी जी, प्योर आएगी। तो ये तो आप बाहर से लाए होंगे? हाँ आसिम भाई, ये बाहर से ले लिए। सही है, पंच अच्छा है, उसने बहुत बच्चे बनाए होंगे आपके। हाँ, अपने यहाँ पे एक बार भी आ चुके आसिम भाई, जो अपने आगे की वीडियो में जो बच्चे दिखाए थे उसमें सबसे पहले वाला जो बच्चा था कलर में जी अबलग में था। अच्छा अच्छा, वो इसी का बच्चा था। सही है, और अभी ये सेकंड टाइम यावर से लोडेड, यावर से तो देखने लायक बच्चे होंगे। और यावर का क्या व्हाइट बकरियों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको समझ रहे कि अच्छे हाँ, अच्छे भी। ये बहुत बड़ा इसका वो होगा परीक्षा, इसमें रिजल्ट पता चलेगा भाई, ओरिजिनल रिजल्ट कैसा आ रहा है। सही है बहुत, और इंशाल्लाह अगर नहीं बिकी या बिकी भी हम इसका वीडियो बना के या भाई इंस्टाग्राम पे डालेंगे या तो ना लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह, या मैं भी डालूंगा। बहुत अच्छा, तो ये बकरी देनी है जी आसिम भाई, भी दे देंगे। ये भी आसिम भाई 4 महीना प्लस लोड है। सही है, थंकी परफेक्ट है, लेंथ भी अच्छी है। अल्लाह से उम्मीद है दो बच्चे आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लास्ट टाइम दो बच्चे ही दी थी ये जी, अभी आगे देखो क्या दे रही है। सही है, साइज के हिसाब से लग रहा है, बाकी तो अल्लाह की हाँ, जान दो भाई। माशाल्लाह, ये हैदराबादी में बोलेंगे भाई के? नहीं ये एटपेटी है। और ये भी मेवातियों से निकली है? नहीं, ये इसकी माँ जो थी वो भी एटपेट थी और इसका बाप बाबर था। अच्छा जी, मतलब कलर नहीं, सॉरी बाबर नहीं, इसका बाप हैदर था, हैदर जो अपन ने सेल कर दिया। इसका कलर बिल्कुल अबलग कलर आया है जी हाँ, जो कि हैदराबादियों में बहुत फेमस कलर है। और इसकी नोस गुलाबी आ गई है माशाल्लाह, और वाइट आइस के अंदर बकरी आ गई है। ये अपने होम ब्रीड की बकरी, होम ब्रीड है, उसने पहले भी बच्चे दिए। हाँ, एक बार बच्चा दे चुकी है, सेकंड टाइम में लोड है यावर से। सही है, और यावर से लोडेड है, यावर आपके सामने है। यावर के खुद के 17, 17.5, 18 के कान है। हाँ, ये बकरी के भी लगभग ये 16+ है, 16+ के कान। हाँ, तो ये बात में रहेगा कि कान कितने आते हैं बच्चों जी, के जी, ये टाइम पे ये यानी अपने है। तो इसमें ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 16-17 क्योंकि दोनों के एवरेज कान है तो उसके इंशाल्लाह इतने तो आएंगे इंशाल्लाह। और मैंने तो जैसा सुना हूँ आगे अल्लाह की मर्जी, बच्चा बाप से एक कदम आगे ही रहता है। हाँ इंशाल्लाह, तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है। जो भी कोई इंटरेस्टेड हो, अच्छी बकरी है, लेंथ वाली है, फ्रेम वाली है, हेल्दी बकरी है, हेल्दी बकरी। ठीक है भाई, जान। तो दोस्तों अबलग के बाद में फिर एक गुलाबी राउंड फेस नर मॉडल, एकदम राजनपुरी मॉडल बोलता हूँ, पंच फेस है, खुला कान है। ये भी अपने ही पैदा हुई थी ना भाई? जी, अपने ये बाबर की पार्ट है, बाबर की पार्ट है दोस्तों। और यावर से अभी लोडेड है जी, पहले बच्चा दिए इसने? हाँ, एक बार दे चुके हैं आसिम भाई, सेकंड टाइम में लोड है। कितने महीने लोडेड है ये? समझो के 1.5 महीने के आसपास की लोडेड है। 3 महीने देख ले, इसका कंफर्म मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसका पूछ के कंफर्म करके बता देंगे। है लेकिन लोड ये है, लोडेड है ना दोस्तों, है लेकिन कंफर्म लोड, 1.5 से 3 महीने के बीच की है। अब वो क्या डेट है वो तो सब रिटर्न में इंशाल्लाह, क्योंकि किसी भाई को चाहिएगा तो उसको पूरी डिटेल दे देंगे, डिटेल दे देंगे, चलेगा। तो बहुत अच्छा चेहरा है, पंच है, जिस किसी भाई को चाहिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक और इनकी घर की बकरी है माशाल्लाह, ये आपकी पुरानी बकरियों में से ना भाई? नहीं बहुत पुरानी तो नहीं आसिम भाई, लेकिन ये 2 बार बच्चा दे चुकी है, 3rd टाइम में लोड है। बहुत अलग ही चीज है भाई, क्या हाँ। बकरों मतलब किसमें से निकली? इसकी माँ जो थी ना आसिम भाई वो तोतापुरी में थी, और इसका जो बाप था ना वो पतीरे में था। मतलब देखने लायक है भाई, एकदम चेहरा, गला, इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत उम्दा, बहुत बड़ी बकरी है दोस्तों। यावर से लोडेड है, 2 बार बच्चे दे चुकी है ना भाई? हाँ ये 2 बार बच्चे दे चुकी है आसिम भाई, बहुत उम्दा बकरी है। पंच फेस के अंदर, पंच फेस में पूरी गुलाबी है, और ये नॉर्मलाइज है आसिम भाई, नॉर्मलाइज में जी। और ये कितने महीने की लोडेड है? ये कितने महीने की होगी साबिर? ये करीबन समझो ना 1.5 से 2 महीने के आसपास, 1.5 से 2 महीने के पास की लोडेड है। परफेक्ट आसिम भाई अपने डिटेल दे देंगे, जिसको भी चाहिए उसको परफेक्ट डिटेल दे देंगे, चलेगा भाई, छोड़ दो। सो दोस्तों एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं, मतलब वो
आप बोलेंगे नहीं कि ये इंडिया में पैदा भी हो सकती है ऐसी चीज। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके घर पे ही पैदा हुई थी भाई? नहीं नहीं आसिम भाई, अपन ने बाहर से ली थी, अपने दोस्त के पास से ली थी। मतलब बिल्कुल एक कामोरी लुक होता है ना। हाँ, उसका सींग का जो है ना वो बहुत अच्छा है, लुक आ रहा है। और कान एकदम, चेहरा एकदम राउंड, पंच व्हाइट आईज, बकरी की साइज देखो आप। और ये यावर से लोडेड है अभी। जी यावर से लोडेड आसिम भाई। अब आप सोचो क्या रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ये बकरी कब से आपके पास? ये बकरी आसिम भाई अपने पास करीबन हो गया, समझो कि एक साल हो गया इसको। और एक साल हो गया। एक बार बच्चा दे चुकी है अपने पास, और आगे जो अपने जो बच्चा दिखाया था ना, जो ब्लैक सिंह का था, हाँ। वो इसी का बच्चा इसी था का, वो आपने बताया था। चारों खुर मार्बल है, बकरी की क्वालिटी देखो आप। बकरी को छोड़ो भाई, थोड़ा छोड़ दो, बकरी को छोड़ दो, बस बस छोड़ दो। क्यों बकरे से लड़ने जा रही थी? नहीं नहीं, वो गुलाबी है। कितने महीने लोड होगी भाई है? ये दो महीने के आसपास की लोड है। ये है ऐसी हेल्दी? हाँ हाँ, हेल्दी हेल्दी है। और मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे कोई नए लोग देख रहे तो उनको बता रहा हूँ, पुराने लोगों को तो मालूम ही है कि माशाल्लाह लोखंडवाला के जब से वीडियो बन रहे हैं इनकी सारी बकरियाँ हेल्दी रहती हैं। अब कुछ लोगों को रहता है भाई बकरी ज़्यादा मोटी हो गई तो कैसे बच्चे देगी क्या। नहीं आसिम भाई, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अपने बता के देंगे। हाँ। कि अगर एक बकरी बंद हो गई या हैवी हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह अपने बता के देंगे। सही है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि बाज मरतबा बकरी बच्चे दे भी देती है, उसके बाद भी एकदम फिट एंड फाइन लगती है आप। जी जी आसिम भाई, देखो आप, पूरी क्वालिटी की बकरी है और साथ में यावर। तो दोस्तों यावर की सब बकरियां अंदर चले गए तो ये तो ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। समीर भाई सब बकरियां दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके वन ऑफ द बेस्ट, अभी जो रीसेंट जो नया ब्रीडर है। जी एक बार आप आपका शोएब भाई का नंबर दे दीजिए ताकि लोग कांटेक्ट कर ले आपसे। 9879132250। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी क्वालिटी दिखाने के लिए। बकरा तो है ही ज़बरदस्त, बकरियां भी कुछ कम नहीं दिखाया आपने। जी सब बहुत नायाब बकरियाँ हैं। जी। तो जो भी हमारे भाई को चाहिए बकरियां इससे लोडेड, वो हमारे शोएब भाई और समीर भाई से कांटेक्ट कर सकता है। इनका फार्म अहमदाबाद के जुआपुरा एरिया में है, आप लोग आके फार्म विजिट भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यहां से पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बकरियाँ देखेंगे कोई अगले ब्रीडर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।